हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ग्रुप सी की बहुत सारी पोस्ट निकल के आई है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन या फिर आप 10th या 12th पास से अप्लाई कर सकते हो। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में वैकेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर 2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर पनाजी गोवा। ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, मुझे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में मिला ये। सो ये एप्लीकेशन बुला रहा है वेरियस पोस्ट के लिए। मैं पोस्ट के बारे में बता दूं, जो कि है पनाजी गोवा में सिविलियन टेक्निकल इंस्ट्रक्टर, जिसमें पे लेवल 5 ऑफर हो रही है और 29,200 टू 92,300 सैलरी होगी। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, एक पोस्ट SC के लिए रिजर्व्ड और एक पोस्ट OBC के लिए रिजर्व्ड है। बात की जाए स्टेनोग्राफर की, एक पोस्ट है। लोअर डिवीजन क्लर्क की काफ़ी सारी पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 17 पोस्ट है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। अनरिजर्व्ड की 6, शेड्यूल कास्ट की 3, शेड्यूल ट्राइब की 1 और OBC की 4 सीट, EWS की 2 सीट और ESM की 1 सीट है। फिर ड्रॉट्समैन की है 1 पोस्ट और MTS चौकीदार और MTS मैसेंजर की 1 और 7 पोस्ट है। फैटिग मैन की 5 पोस्ट है टोटल। आप देख सकते हो इस ब्रोशर में, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा ये PDF। बात की जाए सिविलियन टेक्निकल इंस्ट्रक्टर के लिए क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो आपको BSc विथ फिज़िक्स एंड मैथ्स आपको ग्रेजुएट होना होगा और साथ ही में यदि आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छा है कि आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। बात की जाए स्टेनोग्राफर की, 12th पास से आप अप्लाई कर सकते हो और आपकी टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट 10 मिनट्स डिक्टेशन में बोला गया है, ये आप पढ़ सकते हो। और लोअर डिवीजन क्लर्क की बात की जाए, यहाँ पे भी आप 12th पास से अप्लाई कर सकते हो। टाइपिंग स्पीड आपको काफ़ी अच्छी चाहिए होगी, 30 वर्ड्स पर मिनट या 35 वर्ड्स पर मिनट, ये आप पढ़ सकते हो। ड्रॉट्समैन ग्रेड 3 के लिए बात की जा रही है, यहाँ पे मैट्रिक चाहिए होगा और डिप्लोमा सर्टिफिकेट ड्रॉट्समैनशिप में सिविल इंजीनियरिंग वाले या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 10th पास से अप्लाई कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस होना होगा। MTS चौकीदार के लिए भी मैट्रिक मांगा गया और MTS मैसेंजर के लिए भी 10th पास और फिटिंग मैन के लिए भी 10th पास के साथ साथ आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस इस ट्रेड में आपको चाहिए होगा। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 to 25 फॉर यू unreserved category and 18 to 27 for the post of civilian motor driver ordinary grade। So ये ministry of defense के अंडर में है, तो इसमें एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो रहा है। रिटन टेस्ट होगा आपका 100 मार्क्स का, जिसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे और साथ ही 100 क्वेश्चन इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन के होंगे। सो 200 मार्क्स का पेपर होगा और टायर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। और बात की जाए शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव पेपर और CTI फॉर दी सिविलियन टेक्निकल इंस्ट्रक्टर के लिए आपकी अलग कुछ क्राइटेरिया है। ये तो पोस्ट स्टेनोग्राफर के लिए थी और ये सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए भी पेपर 1 टायर 1 सेम होगा, बट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होगा, आप पढ़ सकते हो। उसमें प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा आपका, जिसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में 100 मार्क्स पेन एंड पेपर मोड में होगा, आपको कुछ लिख के दिखाना होगा। यहाँ लेटर बोला है, सो आप इसकी एलिजिबिलिटी अच्छे से पढ़ लीजिए। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए टायर 1 टायर 2 होगा और ये सारी उसकी डिटेल्स है कि क्या पेपर पैटर्न होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा आपको, यहाँ पढ़ सकते हो। अब बात कर ले इसके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द एप्लीकेशन, जैसे इनकेस विशेज़ टू अप्लाई फॉर 1 और मोर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, सेपरेट एप्लीकेशन आपको देना होगा। मैं बता देता हूँ आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना होगा इसमें। सो आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए, कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द रिटन टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट विल ट्रैवल ऑन देयर ओन एक्सपेंसेस। सो आपको खुद के खर्चे पे आपको ट्रैवल करना होगा। और एप्लीकेशन और आपको अप्लाई करने के लिए ईच एप्लीकेशन विल क्लियरली सब्सक्राइब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको एनवेलप में ये लिख के आपको गिवन एड्रेस में आपको पोस्ट करना होगा। और विद कैटेगरी भी आपको UR SC ST ये सारी कैटेगरी आपको उसमें डिटेल में डालना होगा। यदि आप EWS से आते हो तो वो भी डाल सकते हो। और आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपकी डिस्चार्ज बुक अलॉन्ग विद द अंडरटेकिंग ऑफ द फॉर्मेट एंड गिवन विद द एप्लीकेशन, जो भी आपको नीचे जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया है उसको फिल करके आपको भेजना होगा और वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। Application will be rejected in following cases. यदि application received by the candidate working with the central government through proper channel should be NOC आपको लगानी होगी इसमें, और साथ ही आपको अपना एक्सपीरियंस और कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, यदि आप TWS से आते हो तो वो, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये जैसी सारी डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सारी डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ लगानी होगी। और इनकम्प्लीट अनसाइंड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड बोल रहा है ये। सो आपको अपनी प्रॉपर साइन करना है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए आप। और कॉशन टू ऑल एप्लीकेंट्स सम अनसरप्लस एलिमेंट्स में अप्रोच द, सो आपको ऐसा कुछ इलीगल ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है, सिंपली आपको फॉर्म अप्लाई करके भेजना है। और ये देखो, ये रहा आपका फॉर्म, इसकी आप प्रिंट आउट निकालिए, ये आपको मैं अवेलेबल कर दूंगा PDF फॉर्म में इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप इसका परफॉर्मा निकाल के आप इसको फिल करके यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका एजुकेशनल बायोडाटा आप कंप्लीट फिल करके आपको पोस्ट करना होगा। ये देखो, आप डिक्लेरेशन भी प्रॉपर भरिए, एक्सपीरियंस ऑफ अटैच सर्टिफिकेट, जो भी आप पास्ट हो, आपको जो भी एक्सपीरियंस है आप इसमें अप्लाई करके, इसमें फिल करके डालिए। और जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो ऊपर ज़रूर डालिए। परफॉर्मा बाय द एप्लीकेशन, ये ऑफिस यूज़ के लिए ये आपको नहीं भरना होगा, और ये आप भर सकते हो। ऑल दिस फील्ड्स आर मैंडेटरी टू बी फिल इन द ब्लॉक लेटर्स, सो आपको ये कंप्लीट भरना होगा। और ये एडमिट कार्ड के लिए आपको ये भी डिटेल आपको भेजनी होगी, टू बी कम्प्लीटेड बाय द कैंडिडेट्स। और डिक्लेरेशन ऑफ OBC कैंडिडेट्स के लिए ये दिया है, और ये दिया है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोनाउंस बाय इकोनॉमिकल, EWS के लिए ऐसा आपको EWS सर्टिफिकेट लगाना होगा। सो एम्प्लॉय, ये आप देख सकते हो कि जो भी पोस्ट निकली है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे UR के लिए कर रहे हो, यहाँ पोस्ट नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। SC के लिए कर रहे हो तो आप SC डालिए उसमें। यदि आप UR के लिए, LDC के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप प्रॉपर उसमें ये मेंशन करिए। और साथ ही आपको 21 डेज़ में आपको एड्रेस में भेजना होगा। किस एड्रेस में भेजना होगा, उस एड्रेस का ये आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको किस एड्रेस में। आप यहाँ से देख सकते हो, हेडक्वार्टर टू सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर पनाजी गोवा, आपको यहाँ सेंड करना होगा। ये है उसका, बाय सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से आपको 21 डेज़ आफ्टर, ये वैकेंसी रिलीज़ हुई थी 3 जुलाई को। सो आपको 21 डेज़ यानी आपको नियर अबाउट 27 to 25 जुलाई तक आपको ये फॉर्म को सेंड करना होगा। सो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी भेज दीजिए, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो। और ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।